हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, हम उसके थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने दो क्लास अपलोड कर दिया, पार्ट वन एंड पार्ट टू करके। पार्ट वन में मैंने 10 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किया था, पार्ट टू में मैंने 20 एमसीक्यूज यानी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दिया था। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले 31st एमसीक्यू से, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है और आपको ये क्लास में क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं इसके पीछे कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा एमसीक्यूज पे आ जाता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले की क्लास देखी है तो आपको सब कुछ आइडिया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार पिछली क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी मैंने एमसीक्यूज अभी तक करवाए हैं सारे एमसीक्यूज जो हैं वो प्रीवियस ईयर एम्स हैं, ना कि वो ऐसा नहीं है कि मैं रेंडमली अपने मन से चूज किया मैंने, नहीं, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस में क्या है और कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, 31st क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मींस, यानी चार ऑप्शंस दिया और हमें को पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, और सॉरी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल का मैं फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लिखता हूँ, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। अभी इन चारों में अगर ध्यान से देखोगे तो चारों में लिखा है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, पर मैंने क्या बोला हम लोग को क्या देखना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स, पहले जो करंट एसेट्स है वो देख लो, फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है, इट मींस कि ये वाला पॉइंट तो कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पे लाइबिलिटी होना चाहिए, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट्स। अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे देखो नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, और वैसे भी हमें यहाँ पे चाहिए करंट लाइबिलिटी, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको दिमाग में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है करंट एसेट्स नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो आपको याद रखना यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी, क्लियर है। सो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये मैं बाकी का जो है वो रख कर दे रहा हूँ, सिर्फ जो मेन आंसर है उस पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट के मेथड्स होते हैं उसमें कितने मतलब क्या होता है, कैसा है, तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के मेथड्स की, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं। कितने टाइप के मेथड्स हैं, दो टाइप के मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है हमारा वो है हमारा फिक्स्ड मेथड। पहला क्या है, फिक्स मेथड, क्लियर है। पहला कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड। तो अगर मैं पहले फिक्स मेथड की बात करता हूँ, तो फिक्स मेथड में जब भी हम फिक्स मेथड को फॉलो करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, फिक्स मेथड से। दैट्स व्हाई मैं पहले मैं फिक्स मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ फिक्स मेथड की, तो इसमें नॉर्मली दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनेगा कैपिटल और एक बनेगा करेंट, क्लियर है इतना। तो ये याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की, तो कितने अकाउंट्स बनेंगे, दो, एक कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो मैं डायरेक्टली कैपिटल मेथड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है और वो हो जाएगा कैपिटल, क्लियर है इतना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जब भी कोई पूछेगा, देखो एग्जाम में तुम्हें वन मार्क्स में भी आ जाता है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे तुम्हें याद रख, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना होगा कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड अकाउंट, नंबर वन फिक्स, नंबर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब भी हम बात करते हैं फिक्स की, तो फिक्स में बेसिकली दो हो जाता है, एक हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा करंट अकाउंट। लेकिन जब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उसमें से कितने होते हैं, एक अकाउंट होता है। अब याद रखना है, याद तुम्हें क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब भी फिक्स मेथड को फॉलो करते हैं, कौन सा फिक्स मेथड को फॉलो करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स कैपिटल होता है, फिक्स वर्ड यूज करेंगे या तो परमानेंट वर्ड यूज करेंगे ये लोग, ठीक है। फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल या तो परमानेंट कैपिटल। ये मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये राइटिंग जो है वो शायद इट मे बी पॉसिबल कि जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं तो अच्छे से ना दिखे, इसलिए मैं उसको हटा दे रहा हूं, ठीक है।
जब भी आपको ये दो वर्ड यूज करेगी, परमानेंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल, तो याद रखना है सिर्फ यही दो एंट्री ऐसी है जो आपकी कैपिटल अकाउंट में जाने वाली है, ऑल अदर एंट्रीज एक्सेप्ट दीज टू, याद रखना है ऑल अदर एंट्रीज एक्सेप्ट दीज टू वो कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला कि परमानेंट कैपिटल या फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया है तो वो जाएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में, ऑल अदर एंट्री एक्सेप्ट दीज टू दैट इज परमानेंट एंड फिक्स कैपिटल, बाकी सारे एंट्रीज कहां पे जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां जाएगा, करंट में जाएगा, और करंट का बैलेंस तो ऑलरेडी करंट में जाएगा, करंट का इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, करंट में जाएगा। क्लियर है ये कौन से मेथड का मैंने बताया, फिक्स कैपिटल का। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑल एंट्रीज, ठीक है, ऑल एंट्रीज सब कहां जाने वाले, सबके सब जाएंगे कैपिटल अकाउंट मेथड में। क्लियर इतना, ये जो पॉइंट है ये तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में, ये तुम्हें सेकंड चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स्थ चैप्टर में, यानी लगभग सारे चैप्टर्स में तुम्हें काम आ जाएगा पार्ट वन के, ये पॉइंट्स याद रखना है। क्लियर है, तो अब चलते हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है इन द फिक्स कैपिटल मेथड, यानी ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग है, टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ ड्रॉविंग, पूछा है बैलेंस ऑफ ड्रॉविंग, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि परमानेंट फिक्स को छोड़ के बाकी सारे कहां चले जाएंगे, करंट अकाउंट में, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करंट अकाउंट। क्लियर है, तो यानी कि छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेस पे तुम्हें आंसर पता चलेगा, और इसके बेस पे तुम्हें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 33 में क्या लिखा हुआ है, इफ विच रेशियो गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, सॉरी यहाँ पे हाँ इन विच रेशियो, यहाँ पे इन होगा, इन विच रेशियो गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाई न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे जो इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में जो न्यू पार्टनर है, याद रखना है कि जो न्यू पार्टनर है अगर वो गुडविल लेकर आता है, ठीक है, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो तुम्हें याद होगा मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई देखो मैंने क्लियरली बोल दिया, ईच एंड एवरी क्लास में मैं हर क्वेश्चन का मे बी पॉसिबल उतना डीप में एक्सप्लेनेशन ना दे सको, रीजन ये है कि अगर वो क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो मैं ये इतनी उम्मीद करता हूँ, दोस्तों मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जाके वो क्लासेस जरूर देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो सीरीज वाइज ही देखो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वहां पे याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर कौन से केस में आता है, न्यू पार्टनर आता है एडमिशन के केस में, कौन से केस में, एडमिशन, और एडमिशन के केस में कौन सा रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें फाइंड आउट करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर है, अगर यही क्वेश्चन होता और वहां पे रिटायरमेंट का होता, ठीक है, कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल जो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो याद रखना जब रिटायरमेंट की बात हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, और जो गुडविल है न्यू गुडविल, याद रखना न्यू गुडविल से रिलेटेड कोई भी एंट्री अगर होती है तो वो ऑलवेज या तो सेक्रीफाइस में होगा या तो गेनिंग रेशियो में, एडमिशन के केस में सेक्रीफाइस और रिटायरमेंट के केस में गेनिंग। क्लियर है इतना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन भी मैंने उसके पहले एक्सप्लेन किया था, वापस आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये अकाउंट आप लोगों ने कभी प्रिपेयर किया है, तो मेरे हिसाब से आपका जवाब आएगा नहीं। रीजन ये है कि हम लोगों ने पांच अकाउंट्स पढ़ा है, हमने अकाउंट कितना पढ़ा है, पांच अकाउंट्स पढ़ा कि जो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप वाले। नंबर वन होता है ट्रेडिंग, नंबर टू होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर थ्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर फोर कैपिटल और करंट, एंड नंबर फिफ्थ होता है बैलेंस शीट। क्लियर है, यानी ये पांच अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और ये पांच के पांचों में से किसी का भी नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है, तो पहले कैंसिल कर दो, बैलेंस शीट नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कैपिटल अकाउंट भी नहीं है, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो हम लोगों ने कोई बनाया ही नहीं है। क्लियर है, तो बचा का रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो याद रखना कि रीवैल्यूएशन का सेकंड नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या नाम इसका एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ फर्म्स एसेट्स, ध्यान से सुनना, फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ फर्म्स एसेट्स After dissolution, which of the following liabilities is paid last? यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है is paid last. इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया था, जो प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, वहां पे था paid first, right? अगर मैं वो क्लास देखे होगे तो ठीक है, नहीं देखे होगा तो मैं आपको डायरेक्टली वही क्लास पे, मतलब वही क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ,
ठीक है, तो मेरा भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगा, तुम्हें भी रिमाइंड हो जाएगा, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो तुम जाके देखोगे, ये मुझे भरोसा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ना विच इज द फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट था ना, तो फर्स्ट पेमेंट में क्या होता है, आंसर होगा डी सॉल्यूशन एक्सपेंस। तो एक बार इसको रीड करते हैं, रीड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा है, डी सॉल्यूशन एक्सपेंस, यानी जब भी कंपनी का डी सॉरी जब भी पार्टनरशिप फर्म का डी सॉल्यूशन होता है तो उस टाइम पे सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा होता है, डी सॉल्यूशन एक्सपेंस। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, यहाँ पे एरो बनाया था मैंने, लायबिलिटीज टुवर्ड द थर्ड पार्टी, यानी सेकंड में होगा लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, एंड थर्ड केस में नंबर ए लिखा, ए का मतलब पार्टनर्स लोन, पहले लायबिलिटी पे करो थर्ड पार्टी का, फिर कुछ पैसे बचे तो पार्टनर्स का लोन दे दो, फिर क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर का जो कैपिटल और करंट का बैलेंस होगा वो पे करना है, और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच गया तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रिमेन्स, अगर कुछ पैसा बच गया है तो इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, क्लियर है, यानी पैसा बच गया तो वो क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्लियर है इतना। तो ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है, यानी सबसे लास्ट में कौन सा आ गया है, तो सबसे लास्ट में आया है रिमेन्स तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो यहाँ पे चेक करते अभी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मेंशन है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीड करोगे तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो ये तो होगा ही नहीं, पेमेंट टू थर्ड पार्टी भी नहीं होगा, इंक्रीज इन कैपिटल अभी रुक जाओ, वाइफ लोन याद रखना ऑलवेज ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी, राइट, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी, एक्सेप्ट कि वो पैसे उसने अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में से दिया होगा, राइट। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग है ना लास्ट में रिवाइज करेंगे लास्ट मोमेंट पे, तो वहां पे जब मैं फुल रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें ये वाला भी मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी इसका आंसर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना इंक्रीज इन कैपिटल, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया है कैपिटल का उसको पे करना होगा सबसे लास्ट में, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल, याद रखना ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में मे बी पॉसिबल काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, बट याद रखना है मैंने क्या एक्सप्लेन किया, सबसे फर्स्ट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करते हैं, गलती से भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस आंसर में टिक कर देना, ओके। यहाँ पे लास्ट पूछा नॉट फर्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है वो याद रखना, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का मतलब ये है कि अगर अब आपको पैसे नहीं मिले हैं तो एक साथ सब मिल जाएगा, क्या एक साथ सब मिल जाएगा। अब ये कौन से वाले टाइप्स में होता है तो उसको रीड करते हैं, नंबर वन में लिखा है, पेन चेंज कर देता हूं थोड़ा, नंबर वन में लिखा है क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, नंबर टू में वही आंसर, एक्चुअली क्यूमुलेटिव ही इसका आंसर है, फर्स्ट में ही दे दिया तो मैं टिक कर देता हूं पहले, क्यूमुलेटिव आंसर होगा। अब मैं बाकी का भी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आइडिया रहे कि भाई बाकी में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव वर्ड जो है उसको मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम्हें याद होगा तुमने 9th-10th में जब मैथ्स पढ़ा होगा तो हम लोग CFI निकालते थे, याद है CFI, और CFI हम लोग क्या करते कि हम लोग सारे FI वाले को फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते, लाइक जैसे अगर ऐसा लिखा 2, 3, 5 तो जब हम लोग CFI फाइंड आउट करते तो कैसे करते थे, CFI में पहले 2, 2+3, 5+5+5, 10 हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे, राइट। कभी सोचा कि ये ऐड क्यों कर रहे, क्योंकि इसका नाम क्या, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सबको क्या कर दो, एक साथ कर दो, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ कर दो, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बात करते हैं रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब एक फिक्स पीरियड में रिटर्न करना होता है, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पीरियड में रिटर्न करना होता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है इन केस, ध्यान से सुनना, इन केस एक्स्ट्रा बच गया है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं, इन केस मान लो कुछ पैसे कंपनी में एक्स्ट्रा बच गए हैं, राइट, एक्स्ट्रा सेव है, तो ये लोग क्या बोल सकते हैं, ये लोग डिमांड कर सकते हैं भाई हमको और दो, डिमांड कर सकते, क्या डिमांड कर सकते हैं, वॉन्ट मोर एज डिविडेंड, क्लियर है। ऐसे समझो कि ये घर का वो छोटा बच्चा है कि अगर इसको दिख गया कि कोई चॉकलेट घर में और पड़ा हुआ है तो ये रोना शुरू कर देगा, भाई मेरे को और चाहिए, मेरे को और चाहिए, क्लियर है इतना। तो ये वो घर का सबसे छोटा बच्चा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा अगर सेव है या एक्स्ट्रा बच गया है पैसे, मतलब जो प्रॉफिट है, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी में है सो इट मीन्स कि ये डिमांड करेगा, क्या डिमांड करेगा, आई वॉन्ट मोर अमाउंट एज अ डिविडेंड, क्लियर है। एंड कन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि जब भी जो भी डिवेंचर होल्डर जिनको भी ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगता है कि हमको मतलब भाई शेयर्स में कन्वर्ट करने में ज्यादा बेनिफिट आने, इक्विटी शेयर्स में दे कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, क्लियर है, ये इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ओके। तो ये टोटल चार टाइप के क्यूमुलेटिव,
रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्टिबल। क्लियर है इन चारों का मतलब, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आता है इन चारों से रिलेटेड, तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फॉर द ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड। तो तुम लोग को याद होगा मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैश फ्लो एक्टिविटीज में, कैश फ्लो में बेसिकली थ्री एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। रिमेंबर, तो ऑपरेटिंग वाले मैंने क्या था, बिजनेस को चलाने के लिए नेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? और फिर उसमें एक था फाइनेंस एक्सपेंस। फाइनेंस का मतलब होता है जो बेसिकली बिजनेस का टारगेट होता है टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम द मार्केट टू रन द बिजनेस। क्लियर? यानी बिजनेस को चलाने के लिए बेसिकली मार्केट से पैसे कलेक्ट करना, यानी उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। क्लियर है? तो वो तो फाइनेंस एक्सपेंस है, तो किसका पार्ट नहीं, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फाइनेंस एक्सपेंस। क्लियर है? मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस को देखना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सेंड कर दूंगा लास्ट मोमेंट पे। अभी सेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, रीजन ये है ये टोटल 25 पेज का, तो जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा देता मैं हाफ हाफ सेल सेंड नहीं कर सकता। मैंने पूरा 25 पेजेस का बनाया है, तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर भेजने का कोई मतलब नहीं है तो मैं आंसर्स तो मिलेंगे नहीं, देखो सारा ब्लैंक ही है, राइट? दैट्स व्हाई मैं पूरा कंप्लीट करके सेंड कर दूंगा। अब कोशिश ये करना कि जिस भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं उन क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लेना, और मैं क्वेश्चन का नंबर भी जो है वो थंबनेल में लिख दे रहा हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 10 लाख। क्या बोला है, जो कॉस्ट है गुड सोल्ड का उसका कितना है, रुपीज 10 लाख है। फिर बोला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 2 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 3 लाख, फाइनेंस एक्सपेंसेस रुपीज 1 लाख, इफ टोटल सेल्स आर रुपीज 20 लाख, डिटरमाइन प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो मेन कैसा है कि जब भी तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हो और कोई फॉर्मूला वाला हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है पहले उसका फॉर्मूला क्लियरली लिख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या पूछा है, डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी मेरा क्वेश्चन होता है कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का देखो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग, ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब मेरा क्वेश्चन है क्या कहीं पे भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लियरली मेंशन है, तो ढूंढ के बताओ अगर तुम्हें कहीं भी क्लियरली दिख जाता है तो। कहीं भी नहीं, देखो यहाँ पे सेल है, सॉरी सीओजीएसएम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फाइनेंस एक्सपेंस है, सेल्स है, बट कहीं पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंशन नहीं है। इट मींस कि मुझे नेट सेल तो मिल गया, नेट सेल कितना है मेरा, तो नेट सेल है मेरा 20 लाख रुपीज, वो तो मुझे क्लियरली मिल गया, पर मुझे कहीं भी मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एरो बना देता हूँ, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां से सुनना फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल कितना दिया हुआ है, तो सेल है हम लोगों के पास 20 लाख रुपीज। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम लोग को नहीं दिया है, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है। तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS, क्या होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो COGS कितना है अपने पास, अपने पास COGS है रुपीज 10 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है रुपीज 2 लाख। इट मींस टोटल कितना हो जाएगा, ये रुपीज हो जाएगा 12 लाख। तो यहाँ पे ऊपर ना लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ 12 लाख। तो 20 लाख में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं 8 लाख रुपीज। अब इसको सॉल्व करो तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज यानी कितना आ जाएगा 40%। आंसर कितना हो जाएगा इसका 40%। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हम लोग का 40%। और ये आपके बुक में भी सेम टू सेम क्वेश्चंस है एमसीक्यूज में, राइट। लेकिन कैसा है कि हम लोगों ने डायरेक्टली पीछे से आंसर लिख लिया है, अगर मान लो थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया तो दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और रास्ता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसका एक रास्ता ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला एक और बनता है, इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला बोल सकते हैं या शॉर्टकट बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, राइट। लेकिन अब उसके लिए तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। क्लियर है? मतलब ये है कि यहाँ पे हमने को बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करी, बस इसमें नहीं करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे देखो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, COGS है अपने पास 10 लाख रुपीज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने पास 2 लाख रुपीज है। तो 10 + 2 = 12 / नेट सेल 20 लाख। तो इसको सॉल्व करो तो 12 लाख / 20 लाख कितना हो जाएगा, 60% आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 60% होगा। अब मैंने क्या बोला, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दो, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पे जब तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 100 - 60%, तो आंसर कितना आएगा, 40% ही आएगा ना, राइट। तो ये दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज अवेलेबल है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि 4 मार्क्स में भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, और इट मे बी पॉसिबल ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो मेरा जो टारगेट था, जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, कि भाई सिर्फ ये है कि एमसीक्यूज कवर करवाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स फॉर एंड फॉर बिल्स पेबल मींस। पूछा है कि भाई पेमेंट जो क्रेडिटर्स को किया, बिल्स पेबल किया, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है कैश इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस एक्टिविटीज एंड कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी टोटल 3 एक्टिविटीज का मेंशन कर दिया। तो मैं तुम्हें सिंपल समझा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, कौन से क्वेश्चन में किया था वो मुझे याद नहीं है, चलो मैं वहीं पे लेके चलता हूँ, तो लिखने का कम मेहनत करना पड़ेगा मुझे। ये रहा, याद होगा मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटी, बेसिकली हमारे पास 3 एक्टिविटीज होती है। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है वो थोड़ा मैं डिटेल में लिखता हूँ। रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस जो लिखा है ना, यहाँ पे एक और याद लो, मतलब एक और चीज याद लो, सेल्स प्लस परचेस एंड सेल्स के कारण या परचेस के कारण जो भी रिलेटेड एसेट्स होते हैं, रिलेटेड एसेट्स। तो जब भी मैं रिलेटेड एसेट्स की बात करूं तो बेसिकली हम बात करें करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज के। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि बेसिकली सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड प्लस उनसे रिलेटेड एसेट्स, मतलब करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, क्या आता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। और फाइनेंस एक्टिविटीज में क्या आता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या, जिसका टू कलेक्ट मनी, जिसका मेन टारगेट होता है कलेक्ट करना पैसा। बेसिकली इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं डिबेंचर्स एंड शेयर्स। क्लियर है? एंड रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज, रिलेटेड टू ऑल अदर एक्टिविटी विथ डिबेंचर एंड शेयर्स। प्लस एक एक्स्ट्रा याद रखना है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, याद रखना फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। स्टिल इट इज अ, देखो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इट इज नोन एज अ करेंट लायबिलिटी, राइट। लेकिन इसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है टू कलेक्ट मनी, इसलिए इसको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, फाइनेंस एक्टिविटी। तुम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेते हो, एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए लेते हो ना ताकि तुम्हारे पास, मतलब ये ओवरड्राफ्ट क्यों लेते हो, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए ना। तो मेन टारगेट है कलेक्ट मनी, दैट्स व्हाई इसको कहां पे इंक्लूड किया गया, फाइनेंस एक्टिविटी में। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा पूरा कैश फ्लो का बेसिक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
अपने क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल किसमें इंक्लूड होते हैं? करेंट लाइबिलिटीज में, किसमें इंक्लूड होते हैं? करेंट लाइबिलिटी। और यहाँ पे लिखा पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाएगा, तो सीधी सी बात है कैश इनफ्लो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। कैश आउटफ्लो पॉसिबल है, आउटफ्लो आउटफ्लो, लेकिन अब यही चेक करना है ऑपरेटिंग है, फाइनेंस है, इन्वेस्टिंग है। तो क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया कि करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी होगा वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैश आउटफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? आई होप कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, जनरली करंट अकाउंट हैज, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जनरली करंट अकाउंट हैज द बैलेंस, तो यहाँ पे जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे ही मैं तुम्हें यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, तो ये थोड़ा हेल्प हो जाएगा। देखो याद रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। याद रखना है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्लियर है? क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, और कभी भी वो नेगेटिव में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, दैट्स व्हाई ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन करंट अकाउंट का मतलब क्या कि पैसे जो विड्रॉ कर रहा है, जो ला रहा है, वो सब मिक्स होता है इसमें, सब मिक्स होता है। सो इट मे बी पॉसिबल इसका जो बैलेंस हो वो डेबिट हो, इट मे बी पॉसिबल इसका जो बैलेंस हो वो क्रेडिट हो। क्लियर है इतना? बट यहाँ पे याद रखना है कि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट होता है, बट करंट का इट मे बी पॉसिबल डेबिट, इट मे बी पॉसिबल क्रेडिट। क्लियर है? लेकिन जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, इसकी बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस कैपिटल का भी बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है जनरली करंट अकाउंट हैज अ बैलेंस, तो करंट अकाउंट का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इट मे बी पॉसिबल डेबिट और इट मे बी पॉसिबल क्रेडिट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एवरेज प्रॉफिट वैल्यू based on expected return of expected rate of return. क्या पूछा है? What is mean by average profit value based on expected rate of return? अब उसका मतलब तुम्हें explain करना है कि average profit का मतलब क्या होता है, based किस पे होना चाहिए? Expected rate of return के, right? तो मैं इसका तुम्हें लिख के समझाता हूँ ऐसे, average profit divided by expected rate of return. अब इसका मतलब क्या था, ये कौन से का फॉर्मूला है? अगर आप लोगों ने गुडविल वाला जो चैप्टर है वो प्रॉपरली स्टडी किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, मतलब कौन से वाले में ये फॉर्मूला यूज होता है। नहीं है, अगर रीड किया हो तो एक बार अच्छे से देख लेना, आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? नहीं किया हो तब। अब ये वाला देखो फॉर्मूला कौन सा है, क्या गुडविल का ये फॉर्मूला है? तो गुडविल का ऐसा फॉर्मूला नहीं है, राइट? सुपर प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज, पेन भी अच्छा नहीं चलता कभी कभी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये तो होने वाला नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाए? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, इसका ये जो कौन से का फॉर्मूला है, ये है कैपिटलाइज प्रॉफिट का। और वैसे भी मैंने जो अकाउंट्स की क्लास एक्सप्लेन की, मैंने उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था। और कभी कभी है ना क्वेश्चंस को रीड करने पे ही आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ना व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो उस एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? जो बेसिकली बेस्ड हो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टॉक ऑफ गुड्स इज सोन $8,000 in the balance sheet after revaluation. Clear है? Reconstruction के बाद always हम लोग कोई भी asset को new value पे denote करते हैं। अब ये new value कौन सी होती है basically? तो new value होती है always market price. कौन सी होती है? Always market price. याद रखना है, अगर cost पे दिखाना था तो revaluation क्यों किया हम लोगों ने? Right, यहाँ पे लिखा ना revaluation. अगर cost पे दिखाना था तो revaluation ही क्यों करते? Okay? तो याद रखना always हम market price पे दिखाते हैं। पर MRP का मतलब maximum retail price होता, तो उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। Now the next question, number 43. Question में क्या लिखा हुआ है? At the time of dissolution, फर्नीचर रुपीज 20,000 इज सोन इन द बैलेंस शीट। जब फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे बैलेंस, ये जो बैलेंस शीट है उसमें कितना फर्नीचर था? 20,000। फिर आगे लिखा है देयर इज नो क्लियरिटी फॉर इट्स रियलाइज्ड वैल्यू टेन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इफेक्ट इज मेड। ये पूछा कि इन चारों में से कौन सा राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना कि कोई क्लियरिटी नहीं है कि इसका क्या रियलाइज हुआ। तो आपको पता होगा जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कौन से?
टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन वो लोग सेल हो जाते हैं, ठीक है। उनका सेल क्या है, पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके सेल के बारे में कुछ भी बोला हो या ना बोला हो, बट उनका सेल जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर वही इनटेंजिबल एसेट्स होता है, कौन सा इनटेंजिबल एसेट्स, तो अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं है तो उनका सेल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बेस पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं बता दूंगा इट में भी पॉसिबल आप भूल जाओ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सो किया है, तो सो किया है तो ये क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स होता है, राइट। फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स। तो जब इसको क्लोज करोगे, तो मैंने एंट्री कैसे एक्सप्लेन किया है कि जब एसेट्स को क्लोज करते हैं तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का मतलब है फर्नीचर से है, तो मैं फर्नीचर ही लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, री, एक मिनट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एक सेकेंड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये बेसिकली फर्स्ट एंट्री होगी जब हम लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं। सेकंड में बोला है सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हम सेल तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है, मैंने लिखा ना सेल पॉसिबल है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हम लोगों ने पास किया है। अब चारों में से चेक करो कौन सा वाला आंसर पॉसिबल है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, तो कहीं भी ये लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन लिखा, क्रेडिटेड टू कैश बैंक लिखा, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एंड नो एंट्री, ये वाला तो भाई पहले ही कैंसिल कर दो। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी कैंसिल कर दो। पार्टनर्स का कहीं नाम आया ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ध्यान से देखोगे तो हमारा आंसर यहाँ पे है टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब ये वाला आंसर जो है वो पॉसिबल है, बाकी तीनों पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले एंट्री लिख लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक मिनट जाएगा, बट अगर कोई चीज एक मिनट में अगर आपको एक मार्क्स मिल जाते तो ज्यादा उसमें कुछ भी लॉस नहीं है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लॉक इज पीरियड, लॉक इन पीरियड होगा, लॉक इज नहीं होगा, ये लॉक इन पीरियड ऑफ स्वीट, सॉरी सेट इक्विटी शेयर इज ऑफ। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर्स बता देता हूँ, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 3 इयर्स, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इयर्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड ऑफ सेट इक्विटी शेयर इज ऑफ 3 इयर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर इज कैपिटल फॉर अ बिजनेस। अब यहाँ पे याद होगा मैंने कहा था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि ये लोग है ना पैसे दो तरह, मतलब बिजनेस दो तरह से करते हैं, एक ऑनरशिप कैपिटल से, एक होता है ऑनरशिप कैपिटल, और एक होता है बोरोड कैपिटल, ओके। क्या होता है, बोरोड कैपिटल मतलब उधार जिसको बोलते हैं, मतलब दूसरों से पैसे मांगना। और ऑनरशिप कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल होता है, तो ऑनरशिप कैपिटल में बेसिकली इंक्लूडेड होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन बात करते हैं बोरोड कैपिटल की, जो लोगों से उधार मांग के करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपोजिट, पब्लिक डिपोजिट, क्लियर है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, डिबेंचर इज कैपिटल फॉर अ बिजनेस, तो इन इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है, तो यहाँ पे तुमने लिखा हुआ है ऑथराइज्ड, बोरोड, ऑनरशिप एंड फिक्स। तो फिक्स और ये ऑथराइज्ड तो हट गया, बचा बोरोड और ऑनरशिप। मैंने बताया ना कि दो तरह के पॉसिबल है, ऑनरशिप पॉसिबल है और एक बोरोड पॉसिबल है। इसमें से अपना आंसर को जाएगा, इसमें से अपना आंसर हो जाएगा बोरोड कैपिटल, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45, क्लियर है इतना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी दूसरी क्लास लेनी है फिजिकल वाली, दैट्स व्हाई आज ज्यादा रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैसे भी करके फटाफट मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूं, क्लियर है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में मजा आ रहा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी कंसेप्ट जो है ना मुझे भी बहुत अच्छे से सब याद होते जा रहे हैं। तो अगर मुझे अगर अच्छा फील हो रहा है तो डेफिनेटली आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा हो। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जितनी ज्यादा फैमिली बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उतनी ज्यादा तक रीच बढ़ेगी। और आपको पता है मैंने कहीं भी कोई भी आपसे कोई मॉनेटरी चार्जेस के बारे में नहीं बोला है, तो जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। क्योंकि बेनिफिट जब लोगों तक पहुंचते जाएगा तो अपने आप सारी चीज सपोर्ट मिलेंगी, और सपोर्ट मिलेगा तो वो भी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।